निबंध लेखन। निबंध लेखन। निबंध लिखना गद्य लिखने की विधाओं में से एक मुख्य विधा मानी जाती है, इसलिए आरंभ से ही निबंध लेखन को भाषा शिक्षण का एक अनिवार्य अंग माना गया है। निबंध लेखन के अंग भूमिका, पाठक के मन में जिज्ञासा पैदा करना, विस्तार, संकेत बिंदुओं का विस्तार करना, उपसंहार, निबंध में सभी लिखी गई बातों को संक्षेप में लिखना। निबंध लेखन में ऊपर दिए गए तीनों अंगों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत आत्मकथाएं भी लिखी जा सकती हैं, जो भूतकाल में लिखनी चाहिए। इसे परिच्छेद के अनुसार लिखा जा सकता है। ध्यान देने योग्य बातें, निबंध लिखने से पहले विषय की सही जानकारी होनी चाहिए। लेखन शैली और प्रवाहपूर्ण भाषा अर्थात शब्दों और वाक्यों का आपस में मेल होना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट, सटीक और शुद्ध होनी चाहिए। विषय वस्तु विषय से संबंधित होनी चाहिए। अभिव्यक्त विचारों में सच्चाई होनी चाहिए। किसी बात की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। अनावश्यक शब्द विस्तार नहीं होना चाहिए। आइए निबंध लेखन के कुछ उदाहरण देखें। सरकार की जनकल्याण योजनाएं, संकेत बिंदु, प्रस्तावना, जनकल्याण और सरकार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना, नई योजनाओं के लाभ, उपसंहार। राष्ट्रीय विकास में आम आदमी के योगदान की मांग तो सरकारें हमेशा करती हैं और आम जनता ने भी राष्ट्रीय विकास में सदैव योगदान दिया है। अब सरकार भी आम जनता की जरूरतें पूरी करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याएं हल करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने इन समस्याओं को गंभीरता से समझा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खाना बनाने के लिए उपलों, लकड़ियों, चमड़े का प्रयोग करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है, साथ ही स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 5 करोड़ से भी अधिक लोगों को LPG कनेक्शन प्रदान कर चुकी है। इस योजना के लिए सरकार ने समर्थ लोगों से LPG सब्सिडी छोड़ने की प्रार्थना की, जिसमें लोगों ने सहयोग दिया। योजना में सरकार गरीब लोगों को पैसे की सुविधा भी प्रदान कर रही है। विद्यार्थी जीवन, संकेत बिंदु। विद्यार्थी शब्द का अर्थ आराम व नींद का त्याग, विद्यार्थी के गुण, सच्चे विद्यार्थियों की घटती संख्या, सच्चे विद्यार्थी के गुण को अपनाने का प्रण। विद्यार्थी शब्द विद्या और अर्थी शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है विद्या को चाहने वाला। एक विद्यार्थी को एक साधक के समान रहना पड़ता है। अपने आराम व नींद आदि का त्याग करके ही विद्या प्राप्त हो पाती है। मन सोने को मचलता है, पर परीक्षा के लिए नींद तोड़कर भी विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता है। साधना करने वाले विद्यार्थी अपने जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि जो छात्र अपना समय पढ़ाई में ना बिताकर केवल मौज मस्ती या बेकार के कामों में बिता देते हैं, उन्हें विद्या प्राप्त नहीं होती और इसी कारण वे जीवन में अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। किसी ने कहा भी है, कम खाना कुत्ते से निद्रा, घर से दूरी, वक्सा ध्यान, कोई से यत्नों को प्रियवर, अध्येताओं के गुणमान। वास्तव में एक विद्यार्थी के अंदर कोई जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते से नींद, कम खाने व घर से दूर रहने जैसे गुण होने चाहिए। वर्तमान में घर से दूर रहने का एक अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि वह घर में रहकर भी अपनी पढ़ाई के लिए एकांत में बैठे। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आज ऐसे सच्चे विद्यार्थियों की संख्या में गिरावट आ रही है। उचित होगा कि आज के बच्चे विद्यार्थी जीवन के महत्व को समझें और इसके एक एक पल का सदुपयोग करें। ध्यान रखें कि इस अवस्था में की गई अत्यधिक मौज मस्ती आगे के जीवन में तरक्की का हर रास्ता बंद कर देती है। अतः हर विद्यार्थी को इन गुणों को अपनाकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का प्रण लेना चाहिए। स्वच्छता का महत्व, संकेत बिंदु। स्वच्छता स्वस्थ जीवन की नींव, इसके लाभ। स्वच्छता अभियान के प्रति कुछ लोगों की उदासीनता, उन्हें समझाने की जरूरत। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि के लिए स्वच्छता को अपनाने का संकल्प। स्वच्छता स्वस्थ जीवन की नींव है। स्वच्छता के बिना स्वस्थ नहीं रहा जा सकता। इसका महत्व इसी बात से पता चलता है कि अगर रोजाना कसरत करने वाला व्यक्ति गंदे वातावरण में रहता है तथा सफाई पर ध्यान नहीं देता, तो वह भी कसरत का पूरा लाभ नहीं ले सकता। गांधी जी कहा करते थे, स्वच्छता भगवान का दूसरा रूप है।
वास्तव में स्वच्छता से तन मन व वातावरण में पवित्रता आती है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में पूरे देश ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, किंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज भी कुछ लोग स्वच्छता के प्रति इतने जागरूक नहीं हैं। अब भी वे खुले में कूड़ा फेंककर, सड़कों पर इधर उधर थूक कर, शौच के लिए खुले में जाकर स्वच्छता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों को यह समझाए जाने की जरूरत है कि वे हर साल बीमारियों का दुख कहते हुए दवाइयों पर जो हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, उन्हें केवल स्वच्छता के मंत्र से बचाया जा सकता है। वे खुद स्वच्छ रहें, खुले में कूड़ा ना फेंक कर वातावरण को स्वच्छ रखने में मदद करें, फिर देखें कि कैसे उनको सेहत का सुख मिलता है। इस उद्घोष के अधिक से अधिक प्रचार की जरूरत है कि सेहत सिर्फ सफाई से, रखती दूर दवाई से। लोगों को यह समझाना होगा कि स्वच्छता है तो सेहत है, और सेहत है तो सुख व समृद्धि है। अंतरिक्ष की सैर। हम 19 दिसंबर 1997 को रॉकेट में बैठकर चांद पर छुट्टियां बिताने जा रहे थे कि हमें एक ग्रह दिखाई दिया। सब यात्रियों ने विचार किया कि चांद की बजाय इस नए ग्रह की यात्रा की जाए। यह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा था। एक बहुत बड़ी तश्तरी के समान दिखाई देने वाले इस ग्रह पर हम उतर गए। वहाँ पर कुछ लोग मिले, उन्होंने हमारा जोर शोर से स्वागत किया। वे हिंदी से मिलती जुलती भाषा बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को जून वेम्प कहते हैं। उनके सर पर एंटीना की तरह के दो सींग थे। दांत विशेष रूप से बहुत सुंदर थे। हमें वहाँ बहुत से खंभे दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि वे घर हैं। हर घर में लगभग 9 कमरे हैं। घरों की देखभाल बहुत ही व्यवस्थित ढंग से की गई मालूम होती थी। वहाँ की आबादी हमारी अपेक्षा बहुत कम थी, केवल 1000 लोग थे। वहाँ एक ही जानवर दिखाई दिया जो देखने में बिल्ली की तरह लगता था, पर वे लोग उसे बिंचू कहकर पुकार रहे थे। वहाँ प्रत्येक घर के बाहर 10 पेड़ होने जरूरी थे तथा 10 पौधे गमले में लगे होने अनिवार्य थे। वहाँ का मुख्य भोजन बरगुम था, जो हमारे यहाँ के बर्गर की तरह ही था। यूँ समझिए 5 बर्गर का एक बड़ा सा बर्गर। मौसम सुहावना, ना बहुत गर्मी पड़ती थी ना बहुत सर्दी। वहाँ के पेड़ सफेद थे, ट्रैफिक लाइट जैसे आकार के। प्रदूषण नाम की चीज ही नहीं थी। बच्चे बेहद प्रसन्न थे, उन्होंने गाने गाकर हमारा मन बहलाया। वहाँ स्कूल जैसा कुछ नहीं था, घर के बड़े ही बच्चों को शिक्षा देते थे। लोगों में अपनापन देखते ही बनता था। छुट्टियाँ खत्म होने को थी, अब हमें लौटना था, पर वहाँ से चलने की जरा भी इच्छा ना थी। एक दिन भारी मन से हमने उन लोगों से विदा ली और पृथ्वी की सैर का निमंत्रण देकर धरती पर लौट आए। हमारा प्यारा भारत, शस्य श्यामला देश हमारा। प्रत्येक ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत, क्रम से 2-2 माह आकर इस धरा को पोषित करती हैं। ऋतुएं जीवन प्रदान करती हैं, इनसे हमारे देश की धरती धन धान्य सुख संपदा से पूरित होती है। इसकी संपन्नता को देख सभी सोचते हैं, हम भारतवासी क्यों ना हुए। इस देश की प्राकृतिक शोभा मनोहरी है। उत्तर में सफेद बर्फ से हिमालय की चोटियां इसके सिर का ताज हैं, तो दक्षिण में पैरों। हमारा प्यारा भारत, शस्य श्यामला देश हमारा। प्रत्येक ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत, क्रम से 2-2 माह आकर इस धरा को पोषित करती हैं। ऋतुएं जीवन प्रदान करती हैं, इनसे हमारे देश की धरती धन धान्य सुख संपदा से पूरित होती है। इसकी संपन्नता को देख सभी सोचते हैं, हम भारतवासी क्यों ना हुए। इस देश की प्राकृतिक शोभा मनोहरी है। उत्तर में सफेद बर्फ से हिमालय की चोटियां इसके सिर का ताज हैं, तो दक्षिण में पैरों को पखारता हुआ सागर है। नदियां अपनी रस जलधारा से जीवन प्रदान करती हैं। धरती उपजाऊ मिट्टी से पूरित है, जिसमें से सुख उपजता और लहलहाता है। भारतवासी श्रम को पूजते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं और दूसरों के अस्तित्व का आदर करते हैं। यहाँ की संस्कृति में पशु पक्षियों और वन पौधों तक की पूजा की जाती है। यह देश अनेकता में एकता के सिद्धांत का पालन करता है।
विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमें जन्म से सिखाई जाती है। भौगोलिक विभिन्नताओं के साथ साथ खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, धार्मिक रीति रिवाज, संस्कृतियाँ, गीत नृत्य आदि विभिन्नताओं को समेटने की शक्ति इसी देश की धरती के पास है, एकता में बल है। हम भारतवासी यह मानते हैं, हम कर्म में विश्वास रखते हैं, फल में नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रख साथ साथ चलते हैं। हमें कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती। हमारा एक मित्र राम है तो दूसरा रहीम। राम, रहीम, कृष्ण, सुदामा, कबीर, विवेकानंद, दयानंद, ऋषि मुनियों आदि ने इस धरती पर जन्म लिया। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण जैसी कृतियाँ रची गयी। सत्य, अहिंसा के मंत्रों से पूजित है मेरे देश की धरती। हमारा देश पूर्वजों द्वारा दिए ज्ञान को सुरक्षित रख शिक्षा, विज्ञान, कला, व्यापार, उद्योग, तकनीक आदि क्षेत्रों में नवीन क्रांति कर रहा है। हमारा तिरंगा झंडा हमारा गौरव है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम व राष्ट्रगान जन गण मन है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, पक्षी मोर, पुष्प कमल है। हमें आज़ादी प्रिय है। लक्ष्मीबाई से लेकर खान बहादुर गफ्फार खान को हम नहीं भूले हैं। भारत हमें जान से भी प्यारा है। स्वतंत्रता दिवस, जिसको न निज गौरव तथा राष्ट्र का अभिमान है, वह नर नहीं निरा पशु समान है। स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है। पराधीन पशु पक्षी भी सभी बंधनों को तोड़कर मुक्त होना चाहते हैं। ऐसी ही दशा उन देशों की होती है जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़े होते हैं। महान देश भारत को भी सैकड़ों वर्षों तक पराधीनता का दुख सहना पड़ा था। अनेक महापुरुषों, देशभक्तों तथा शहीदों के बलिदानों के कारण हमें जिस दिन स्वतंत्रता प्राप्त हुई वह शुभ दिन है, 15 अगस्त। इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की आज़ादी के लिए असंख्य नर नारियों ने बलिदान दिया। इसमें झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहेब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि के नाम प्रमुख हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तब से लेकर आज तक यह दिन उसी उत्साह, उमंग तथा उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराकर राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। लाखों नर नारी प्रधानमंत्री का संदेश सुनने वहां एकत्रित होते हैं। यह दिवस संपूर्ण देश में मनाया जाता है। जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तथा देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। विद्यालयों में भी यह उत्सव अत्यंत उत्साह से मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं। यह उत्सव हमें उन देशभक्तों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता रूपी उपहार दिया। यह दिन हमें गांधी जी के अंग्रेजों, भारत छोड़ो, तिलक के स्वाधीनता, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सुभाष चंद्र बोस के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसी सिंह गर्जना की याद दिलाता है। 15 अगस्त के दिन हमें यह प्रण करना चाहिए कि देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए समय आने पर हम अपने प्राणों की भी बाजी लगा देंगे। हमें यह भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम आपसी भेदभाव तथा फूट आदि से दूर रहेंगे तथा देश की एकता को नष्ट नहीं होने देंगे। हम राष्ट्रीय तिरंगे की आन बान और शान को इसी तरह बनाए रखेंगे। शहीदों के पावन बलिदान को कभी ना भूलेंगे और देश के महान नेताओं द्वारा बताए मार्ग पर चलेंगे। मीठी बोली का महत्व, सारे जगत में मानव ही ऐसा प्राणी है जिसे वाक शक्ति मिलती है। वह बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेता है। वाणी जहाँ एक और वरदान है, वहीं शाप भी है। मीठा बोलकर हम किसी का भी हृदय जीत सकते हैं। कड़वी बात तीर की तरह ऐसे चुभ जाती है कि उसे कितना ही निकाल लो, घाव बन जाती है। हमें अपनी वाणी को अपने वश में रखना चाहिए। मधुर वचन सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को परम शांति और सुख पहुंचाते हैं। प्यार से बोलने वाले व्यक्ति मत्व की पहचान ही अलग होती है। मन हल्का और तरोताजा दिखता है। व्यक्ति प्रसन्न चित रहता है।
जब वह स्वयं किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता तो उसे भी प्राय इस प्रकार के कटु वचन सुनने को नहीं मिलते। मधुरभाषी व्यक्ति सबका प्रिय होता है तथा छोटे बड़े का आदर करता है। वह स्वभाव से विनम्र और शिष्ट होता है। अनुचित बात पर भी वह चुप हो जाता है या मुस्कुरा देता है। जीने की कला उसे आती है। कही गई बात पर ही प्राय झगड़े हुआ करते हैं। मीठे बोल न जाने कितनी लड़ाइयां टाल देते हैं। कड़वे वचन बोलने वाला कड़वी बात कह तो जाता है, पर उसे स्वयं भी बाद में दुख पहुंचता है। पछतावा और आत्मगलानी के सिवाय उसके पास कुछ नहीं रहता। ठीक ही कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मधुर वचन बोलने से कितने अन्य गुण स्वयं ही आ जाते हैं। मृदुभाषी से सब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। बड़ा दिन क्रिसमस। भारत में विभिन्न धर्म होने के कारण अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। धार्मिक त्योहारों में होली, दीपावली, दशहरा, ईद, गुरुपर्व और क्रिसमस आदि त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ प्राय सभी त्योहार मिलजुल कर मनाने की प्रथा रही है। बड़ा दिन या क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह ने अवतार लिया था। खुशी और उमंग से छोटे बड़े इस त्योहार का आनंद लेते दिखाई देते हैं। लोग गिरजा घरों को सुंदर ढंग से सजाते हैं तथा वहां प्रार्थना सभाओं के लिए जाते हैं। वहां सभी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलते हैं और एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहते हैं। घरों को भी खूब सजाया जाता है तथा रोशनी की जाती है। क्रिसमस ट्री सजाकर उसके चारों ओर उपहार रखे जाते हैं। मित्रों और संबंधियों में उपहारों का आदान प्रदान होता है। बच्चों के लिए टॉफियां आदि छिपाकर रख दी जाती हैं तथा सेंटा क्लॉज की कहानियां सुनाई जाती हैं। सेंटा क्लॉज ही उपहार लाता है, ऐसा बच्चों को प्रतीत होता है। इस दिन बाजारों की रौनक भी देखते ही बनती है। रोशनी और रंग बिरंगी झालरों, फानूसों और सितारों से सजे घरों और बाजारों की शोभा का क्या कहना। कितनी ही ठंड हो, लोग क्रिसमस केक, पेस्ट्री खरीदते दिखाई देते हैं। धर्मगुरु की झांकियां सजाई जाती हैं, उनकी शिक्षाओं पर चलने के संकल्प लिए जाते हैं। यह त्योहार भी दूसरे त्योहारों की भांति भाईचारे और प्रेम का संदेश लेकर आता है। हमें चाहिए कि हम सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर भेदभाव मिटाएं, गुरुओं के दिखाए मार्ग का अनुसरण करें और दीन दुखियों की सेवा करें।